हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एम सी यूटेक में स्वागत है आज हम मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेशन पार्ट सेकंड देखेंगे जिसमें हम ए जी वन टू थ्री की बात करेंगे एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री के फिफ्टी फिफ्टी क्वेश्चन देखेंगे तो हम देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर पी ए के हिसाब से तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिमिक्री वीड ऑफ वीट इज अनुकारी खरपतवार गेहूं का कौन सा होता है तो मिमिक्री वीड कौन सा है तो हमारे ऑप्शन है जॉनसन ग्रास ऑप्शन बी है कैनरी ग्रास ऑप्शन सी है बॉथ ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कैनरी ग्रास कैनरी ग्रास को गेहूँ सा भी कहा जाता है या गेहूँ का मामा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड एन एग्जाम्पल ऑफ इनिजिनियस रॉक इज आग्नेय चट्टान का उदाहरण है तो आग्नेय चट्टान वो होती है जो जिसका निर्माण पृथ्वी के निर्माण के साथ ही होता है तो हम देखते हैं आग्नेय चट्टान के तो हमारे ऑप्शन है लाइम स्टोन ऑप्शन बी है रॉक ऑप्शन सी है ग्रेनाइट ऑप्शन डी है सैंड स्टोन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ग्रेनाइट यह आग्नि चट्टान का उदाहरण है तो इसके साथ क्या क्या आ सकता है डायोराइट रायोलाइट बेसाल्ट एंड गेब्रो ये सभी आग्ने चट्टान के एग्जाम्पल है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड डोलोमाइट इज ए रीच इन डोलोमाइट में प्रचुर मात्रा में होता है तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन है मोलमिंडियम ऑप्शन बी है ए जी ऑप्शन सी है एम जी मैग्नेशियम ऑप्शन डी है पोटेशियम तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मैग्नेशियम और जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है डोलोमाइट का वो होता है सी ए सी ओ थ्री सी ए सी ओ थ्री इंटू एम जी सी ओ थ्री और जो इसके पार्टिकल की साइज होती है वो जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम से ज़्यादा होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग पाचुरेशन गाय के प्रसव के दौरान उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है तो हमारे ऑप्शन है एस्ट्रोजन ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन ऑप्शन सी है प्रोजेस्ट्रॉन ऑप्शन डी है रिलैक्सिन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द टर्म सर्विंग इज रिलेटेड टू संभोग की क्रिया जो कि सर्विस कहलाती है वो किस में कहलाती है तो हमारा ऑप्शन है काउ ऑप्शन बी गोट ऑप्शन सी बफेलो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस जो सर्विंग है हम जो संभोग की क्रिया को सर्विस कहते हैं तो सर्विंग कहते हैं तो उसको काओ गोट और बफेलो में कहा जाता है और जो भेड़ होती है उसमें टॉपिंग कहा जाता है हॉर्स में कवरिंग कहा जाता है और पीग में जो संभोग की क्रिया होती है उसे कपलिंग कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ल्यूज लाइक कॉर्स इज अ कैरेक्टर ऑफ पत्ते के समान कान किसका लक्षण है तो हम पत्ती के समान कान किसका लक्षण ल्यूज लाइक ईयर्स इज़ अ कैरेक्टर ऑफ जो ईयर्स होते हैं वो ल्यूज जैसे होते हैं किस में तो हमारे ऑप्शन है हिसार डेल इन नाली ऑप्शन बी है नाली एंड सोनाली ऑप्शन सी है नेल्लोरी एंड मांडिया ऑप्शन डी है चोकला एंड मगरा तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हिसार डेल एंड नली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया तो हमारे ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन ऑप्शन बी है, है वर्गीस कुरियन ऑप्शन सी है बी पी पॉल ऑप्शन डी है और एस परोड़ा तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन नेक्स्ट क्वेश्चन जो एम एस स्वामीनाथन है वो ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक होते हैं इंडिया में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट था स्टार्टर स्पीसीज कॉमनली यूज इन मिल्क इंडस्ट्री इज तो हमारे ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस ऑप्शन बी है स्टेप्टोकोकस ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है लेकेनो स्टॉक तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी लेक्टोबेसिलास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन था पाचुराइजेशन ऑफ मिल्क इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू एट लिस्ट दूध का पाचुरीकरण दूध में कम से कम कितना गर्म करना चाहिए तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए तिरलीस डिग्री सेल्सियस फॉर तीस मिनट ऑप्शन बी है फिफ्टी डिग्री सेल्सियस फॉर तीस मिनट ऑप्शन सी है फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट्स ऑप्शन डी है सिक्सटी थ्री डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सिक्सटी डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनिट्स या वन फोर्टी फाइव डिग्री फारेनाइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ विच ऑफ द फॉलोविंग इज द बेनिफिशियल एलिमेंट फॉर पे डी तो हमारा ऑप्शन है सोडियम ऑप्शन बी है सिलीकॉन ऑप्शन सी है वेनेडियम ऑप्शन डी है आयोडीन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सिलीकॉन जो कि धान के लिए आवश्यक लाभकारी तत्व है और यह एटी परसेंट पाया जाता है सिलीकॉन ठीक है कितना एटी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवंथ द रेशो बिटवीन ग्रेंस एंड स्ट्रो इन पेडी जो धान व भूसा का अनुपात होता है पेडी में कितना होता है तो हमारे ऑप्शन है वन रेशो वन वन रेशो टू टू रेशो वन और थ्री रेशो वन तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी टू रेशो वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ फॉलोइंग डिसीज ऑफ पेडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल फेमाइन धान की फसल किस महामारी से बंगाल में अकाल पड़ा था तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बैक्टेरियल ब्लाइट ऑप्शन बी ए ब्लास्ट ऑप्शन सी है ब्राउनजिंग ऑप्शन डी है ब्राउन स्पॉट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ब्राउन स्पॉट जो कि 1943 में आया था और इसके कारण ही जो बंगाल फेमाइन आया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन वेजिटेबल फोर्सिंग मीनस तो हमारा ऑप्शन है ऑफ सीजनल कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑप्शन बी वेजिटेबल कल्टिवेशन ऑन रूफ ऑप्शन सी ए सॉइल लेस वेजिटेबल कल्टिवेशन ऑप्शन डी वेजिटेबल कल्टीवेश कल्टिवेशन इन लार्ज पॉट्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑफ सीजनल कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बी ई आर इन टोमेटो इज कॉज ड्यू टू डेफिशेंसी जो बी ई आर होती है ब्लॉजम एंड रॉड डिसीज वह किसकी कमी के कारण होती है तो हमारे ऑप्शन है कॉपर ऑप्शन बी है मोलबिंडम ऑप्शन सी कैल्शियम ऑप्शन डी है मैग्नीज तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कैल्शियम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन मेथड ऑफ एम्ब्रियो टेस्टिंग गर्भ परीक्षण की विधि है तो हमारे ऑप्शन है ए बायोकेमिकल ऑप्शन बी है वेजिनल स्पेकुलम ऑप्शन सी ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी है रेक्टोवेजाइना तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी ऑल ऑफ दिस कभी कभी जैसे कि ऑल ऑफ दिस बीच में दे दिया है तो हमें ऑप्शन तीनों ही पढ़ना है फिर उसके बाद लास्ट में हमें ऑल ऑफ दिस को देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डिसलाइक हेड जो डिसलाइक हेड होता है वह किसका होता है तो हम देखते हैं डिसलाइक हेड कॉकरच रेड सिंधी काक्रेच अमृत महल एंड श्रीजी तो हमारे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिलते हुए सिंह तस्ते नुमा सीड होता है कॉकरेज का तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन डी हॉर्न एंड डी हॉर्न द कॉक प्रेफरेबली विद इन द डेज ऑफ्टर बर्थ कली कायन दिन के अंदर कर देना चाहिए तो कितने दिन के अंदर कर देना चाहिए तो हमारा ऑप्शन है तीस थर्टी डेज फिफ्टीन डेज सिक्स मंथ वन ईयर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फिफ्टीन डेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तस्तीलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन रानी खेत डिसीज ऑफ पोल्ट्री इज स्प्रिड थ्रू जो रानी खेत डिसीज होती है वो किसके द्वारा फैलती है पोल्ट्री में तो हमारा ऑप्शन है वायरस ऑप्शन बी है फंगस ऑप्शन इसमें हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है जो कि सभी क्षेत्र लिखा हुआ है वो रानी खेत है है ना तो कुकुटों को में रानी खेत रोग किसके द्वारा फैलता है तो हमारा ऑप्शन है वायरस बी फंजी ऑप्शन सी बैक्टीरिया ऑप्शन डी है प्रोटोजोवा तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वायरस और कौन सा वायरस एवेनिया पेरोमैक्सी वायरस के द्वारा होती है जिसमें हंड्रेड परसेंट डेथ के चांसेस रहते हैं तो इसमें प्रिवेंटिव किया सक, जा सकता है छः से आठ सप्ताह के अंदर वैक्सीनेशन किया जा सकता एफ वन स्ट्रेन एंड एफ टू स्ट्रेंथ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द सीड रिक्वायर्ड इन नर्सरी फॉर मेरीगोल्ड कल्टिवेशन इन वन हेक्टेयर एक हेक्टर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है तो हमारा ऑप्शन है थ्री पॉइंट फाइव किलोग्राम ऑप्शन बी है फाइव पॉइंट फाइव किलोग्राम ऑप्शन सी है फोर पॉइंट फाइव किलोग्राम ऑप्शन डी वन पॉइंट फाइव किलोग्राम तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए थ्री पॉइंट इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी वन पॉइंट फाइव किलोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्टूलिंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इज जो स्टूलिंग की मेथड होती है वो किस में होती है तो हमारे ऑप्शन है प्रोम प्रोमोग्रेनेट ऑप्शन बी ए सपोटा ऑप्शन सी ए गुआवा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस तो हमारी जो स्टूलिंग की मेथड होती है वो गुआवा में होती है या एयर लेयरिंग मेथड भी कहा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी वन जो आम में कितने प्रतिशत फूल फल बनने एवं परिपक्वन तक पहुँचते हैं तो इन मैंगो हाउ मेनी फ्लावर्स रीच टू फ्रूटिंग तो हमारा ऑप्शन है ए जीरो पॉइंट वन परसेंट ऑप्शन बी वन परसेंट ऑप्शन सी टेन परसेंट ऑप्शन डी ट्वेंटी परसेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन जीरो पॉइंट वन परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू हमारा द बॉइलिंग ऑफ बॉइलिंग और स्टीमिंग ट्रीटमेंट बिफोर द कैनिंग ऑफ वेजिटेबल इज नॉन अस तो ऑप्शन ए ब्लांचिंग ऑप्शन बी ए कैथेसिस ऑप्शन सी है ऑप्शन डी साल्ट सॉल्ट ट्रीटमेंट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन तो, ए ब्लांचिंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री फ्रूट मोस्ट सूटेबल फॉर मार्मलेट प्रिपेशन मार्मलेट के लिए कौन से फ्रूट सूटेबल होते हैं तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन है लीची ऑप्शन बी है गवा ऑप्शन सी ऑरेंज ऑप्शन डी है मैंगो तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन सी ऑरेंज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ सीमन इज रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर मेथड इज जो कि हम ट्वेंटी फोर देख रहे हैं प्रशीतन ताप विधि में वीर्य को कितने ताप पर भंडारित करते हैं तो हमारा ऑप्शन है माइनस सेवेंटी नाइन डिग्री ऑप्शन बी है फोर टू फाइव डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी एटीन टू ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस ऑप्शन डी है माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फोर टू फाइव डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉट टाइप ब्रीड ह तो हमारा ऑप्शन है गीर ऑप्शन बी है हरियाणा ऑप्शन सी ए नावरी ऑप्शन डी है देवनी तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नागौरी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ओ यियो ऑपरेशन फ्लड है सॉरी ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड इन द तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए है नाइन्टीन एटी ऑप्शन बी है नाइनटी सेवेंटी ऑप्शन सी ऑप्शन सी है नाइन्टीन सेवेंटी फाइव ऑप्शन डी है नाइन्टीन एटी फाइव तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी नाइनटीन सेवेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन येल्लो बीक ड्राइव एंड स्मेल एबडोमिन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोविंग पीली चोंच शुष्क गुदा हॉय मतलब कि छोटा उधर किसका उदाहरण है तो हमारा ऑप्शन है ड्यूल पर्पज है ऑप्शन बी है एक प्रोडक्शन है ऑप्शन सी है मीट प्रोड्यूसिंग है ऑप्शन डी अनप्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव है तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट नॉर्मल बोवाइन मिल्क कंटेंस प्रोटीन तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए थ्री पॉइंट फाइव परसेंट ऑप्शन बी है सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑप्शन सी है नाइन पॉइंट फाइव परसेंट ऑप्शन डी है फाइव पॉइंट फाइव परसेंट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए थ्री पॉइंट फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वॉट इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्लविंग इन अरेड एंड सेमी अरेड जॉइन तो हमारा ऑप्शन है लॉस ऑफ सॉइल मॉइस्चर ऑप्शन बी है लॉस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ऑप्शन सी है रेड्यूस द रूट ग्रोथ ऑप्शन डी है लॉस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉस ऑफ सॉइल मॉइस्चर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय विच पार्ट ऑफ प्लांट्स जल का अवशोषण जड़ के भाग द्वारा होता है तो हमारे ऑप्शन ए इलोंगेनेशन रीजन ऑप्शन बी ग्रोथ रीजन ऑप्शन सी है रूट हेयर्स ऑप्शन डी है रूट कैप तो हमारे इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा रूट हेयर्स ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी वन स्प्रिंकल सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट सूटेबल तो हमारा स्प्रिंकल जो सिस्टम होता है ना वो किसके लिए सूटेबल रहता है तो हम देखते हैं क्लेसोइल, ऑयल सेलाइन सॉइल एसिडिक या अनड्यूलेटेड सॉइल तो थर्टी वन का देखते हैं हमारा तो अनड्यूलेटेड सॉइल जो उबड़ खाबड़ वाली भूमि होती है उसके लिए स्प्रिंकल सिस्टम सही होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू निम्नलिखित में से क्या एक खेती की प्रणाली नहीं है तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए कलेक्टिव फार्मिंग ऑप्शन बी है रेनफेड फार्मिंग ऑप्शन सी ए स्टेट फार्मिंग ऑप्शन डी है कोऑपरेटिव फार्मिंग और एक और ऑप्शन आता है ऑप्शन है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग तो ये जो तीनों है कलेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव एंड कैपिटलिस्टिक तो ये जो है सिस्टम ऑफ फार्मिंग होते हैं लेकिन जो रेनफेड फार्मिंग्स होती है ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच इज़ द प्रेजेंट इन बेड साइलेज जो बेड साइलेज में क्या होता है तो पी एच होता है मोर देन कितना फोर पॉइंट एट परसेंट ऑप्शन बी है ब्यूटाइरिक एसिड भी पाया जाता है परसेंटेज ऑफ अमोनिया भी अच्छा खासा होता है और जो ऑल ऑफ दिस आता है इसमें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर तो थर्टी फोर का सोयाबीन केक जो सोयाबीन केक है तो किसके है सोयाबीन केक हो? ट्रिप्सिसिन प्रतिरोधी है, रेसिस्टेंट है या एस पाया जाता है या गोसी पॉल होता है या एफ्लोटॉक्सिन होता है तो हम देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा एफ्लाटॉक्सिन भी किस में पाया जाता है एफ्लाटॉक्सिन मूंगफली की खली में होता होगा गौसी होता है कपास की खली में लेकिन एस जो होता है वो ज्वार में होता है सोयाबीन की खली में पाया जाता होगा सोयाबीन की खाली में ट्रिप्सिसिन प्रतिरोधी होता है ट्रिप्सिसिन रेसिस्टेंट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रिप्सिसन रेसिस्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव येलो कलर ऑफ मिल्क फैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दूध वसा का पीला रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है तो किसके कारण होता है हम देखते हैं थर्टी फाइव का विटामिन डी कैरोटीनॉइड्स कैल्शियम फॉलिक एसिड तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कैरोटीनॉइड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द पी एफ ए स्टैंडर्ड ऑफ डबल टोन्ड मिल्क जो डबल टोन्ड मिल्क के लिए पी एफ ए मानक है मानक देख लेते हैं हम क्या है तो हमारा ऑप्शन है थ्री पॉइंट जीरो परसेंट फैट एंड नाइन पॉइंट जीरो परसेंट एस एन ऑप्शन सी है डेढ़ परसेंट फैट एंड एट पॉइंट फाइव परसेंट एस एन एफ ऑप्शन बी है थ्री पॉइंट थ्री परसेंट फैट एट पॉइंट फाइव परसेंट एस एन एफ ऑप्शन डी है डेढ़ परसेंट फैट एंड नाइन परसेंट एस एन एफ तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी डेढ़ फैट एंड नाइन पॉइंट जीरो परसेंट एसन एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्रॉप विच हेल्प अदर क्रॉप्स आर नोन नर्स ऐसी फसलें जो दूसरी फसलों को सहायता प्रदान करती है तो हमारा ऑप्शन है वेयर क्रॉप ऑप्शन बी नर्स क्रॉप ऑप्शन सी ऑप्शन ऑप्शन सी सीएट्री क्रॉप्स ऑप्शन डी है क्रॉप्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी नर्स क्रॉप नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द फर्टिलाइजर इन पेडी डी फील्ड शुड बी अप्लाइड इन धान की फसल उर्वरक किस क्षेत्र में उपयोग करना चाहिए जो धान की फसल होती है ना उसमें जैसे कि हमारे को फर्टिलाइजर का यूज़ करना है तो किस जोन में हमें यूज़ करना चाहिए धान में तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए सरफेस ऑप्शन बी ऑक्सीडाइज जोन ऑप्शन से रेड्यूज जोन ऑप्शन डी एंड बी तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है सी रेड्यूज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन थर्टी नाइन नील हरिश्य की कौन सी समुदाय नाइट्रोजन स्त्रीकरण के लिए आवश्यक है तो हमारा ऑप्शन है राइजोबियम ऑप्शन बी एनाबीना ऑप्शन सी है फास्टफो विक्टेरिया एजोला तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एनाबीना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्टी फ्रूट प्रोपोकेटेड बाई सीड्स बी आर जो फूड क्रॉप है सीड के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है तो उसमें क्या है अली बियर अली ऑप्शन बी है लेट ऑप्शन सी नॉन ऑफ दिस ऑप्शन डी है नॉन फ्लावरिंग तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लेट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन हाइस्ट कॉन्सेप्शन रेट फाउंड इन विच स्टेज ऑफ स्ट्रेस इन गाँव गर्भ के मध्यकाल में गर्भ धारण का प्रतिशत किस समय सर्वाधिक प्राप्त होता है तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए फिफ्टी फाइव परसेंट अप टू सेवेंटी हॉर्स ऑप्शन बी है सिक्सटी थ्री परसेंट अप टू एटी टू ट्वेंटी फोर हॉर्स ऑप्शन सी सिक्सटी वन परसेंट अप टू ट्वेंटी फॉर टू थर्टी फाइव हॉर ऑप्शन डी है ट्वेंटी परसेंट अपट्टू थर्टी फाइव हॉर्स तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है एटी टू ट्वेंटी फोर हॉर्स सिक्सटी थ्री अप टू तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू सिम्टम्स ऑफ अ फुट माउथ डिसीज जो फुट माउथ डिसीज होते हैं उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं तो हमारे ऑल्सर हो सकते हैं माउथ में टर्ंगस एंड टीट्स में ऑप्शन बी है फीवर बुखार भी आ सकता है ऑप्शन सी है स्टोप्रूमिनेशन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री टेस्ट फॉर प्रॉपर पास्चुराइजेशन आर बेस्ड ऑन एक्टिविटी ऑफ वी एंजाइम जो पाश्चुरीकरण का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा एंजाइम की सक्रियता देखी जाती है तो हमारा ऑप्शन है लेकटाइस ऑप्शन बी है फास्फेटाइज ऑप्शन सी है केटालाइज ऑप्शन डी डाइटाइज तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी फास्फेटाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर द स्टेम अबाउट द ग्राउंड इन बनाना इज ए नोन अस जो भूमि के ऊपर तने के स्टेम को कहा जाता है तो हमारा ऑप्शन है राइजोम ऑप्शन बी है सकर्स ऑप्शन सी है स्यूडो स्टैम्प ऑप्शन डी है ट्रंक तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्यूडो स्टैम्प नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली तो हमारे ट्रांसप्रेशन जो कि पोर्टोमीटर के द्वारा होता है इवेपोरेशन ऑक्जिनोमीटर रूट प्रेशर मेनोमीटर ऑप्शन जो टेंसियोमीटर मेनोमीटर है ना जो रूट प्रेशर है मेनोमीटर ऑप्शन डी है सोइल सर्फेस टें टेंीटर तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है जो कि इवेपो ट्रांसपिरेशन है वो ऑक्सीनोमीटर के द्वारा नहीं मापा जाता इवेपो है इवेपो ट्रांसपिरेशन है ना और जो ऑक्सीनोमीटर है वो ग्रोथ ऑफ लेंथ ऑफ ए प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स फुट बॉथ यूज फॉर जो फूट बात होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है तो फुट माउथ डिसीज के लिए यूज होता है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फुट माउथ डिसीज खुर पका एंड मुँह पका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज मोस्टली स्प्रेड आफ्टर रेनी सीजन वर्षा ऋतु में अधिकतर कौन सा रोग फैलता है तो हमारा ऑप्शन है ब्लैक फीवर ऑप्शन बी है रेंडर पेस्ट ऑप्शन सी एंथ्रेक्स ऑप्शन डी हॉट सॉट या गल घोटू तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हॉट सॉट एंड गल घोटू नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी एट इन वर्ल्ड इंडिया स्ट्रंक इन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इट पशुधन जनसंख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो हमारे ऑप्शन है फोर्थ बी है फर्स्ट सी ए सेकेंड डी ए थर्ड तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन प्रिंसिपल प्रोटीन इन मिल्क इज दूध में प्रोटीन पाया जाता है कौन सा प्रोटीन एल्ब्यूमिन एलब्यूम एल्ब्यूमिन ऑप्शन सी है कैसिन ऑप्शन डी है लेक्टोग्लोब्यूमिन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कैसिन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द इम्प्रूवड सीड डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इज जो हमारे इम्प्रूव सीड होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कौन से कमर्शियल रूप से तो हमारा फाउंडेशन सीड ब्रीडर सीड न्यूक्लियस सीड या सर्टिफाइड सीड तो जो हमारे क्या जाता है डिस्ट्रीब्यूटर तो वो होते हैं सर्टिफाइड सीड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन हनी लाइक सेप इज़ अ कैरेक्टर ऑफ जो शहद जैसे चिपचिपा पदार्थ तो होता है वो किस में देखा जाता है तो ग्रीन ईयर डिसीज में देखा जाता है ग्रीन ईयर डिसीज़ या अरगट डिसीज सॉरी ग्रीन ईयर डिसीज में नहीं ही अर्गट डिसीज में देखा जाता है जो चिपचिपा पदार्थ तो होता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू विच ऑफ़ फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ मेज हैज़ मैक्सिमम एरिया इन इंडिया तो हमारा ऑप्शन है मेज इंडोराटा ऑप्शन बी है मेज इवटा ऑप्शन सी है जिया मेज डेन टाटा ऑप्शन डी है मेज सेकेराटा तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मेज इंडोराटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री रिक्वायरमेंट ऑफ डी सी पी एंड टी डी एन फॉर फोर हंड्रेड किलोग्राम वेट ऑफ काओ फोर हंड्रेड किलोग्राम शरीर भार वाले पशु के लिए डी सी पी टी डी एन का वेट कितना डी सी पी टी डी एन कितना लिया जाता है तो हमारा ऑप्शन है ये एक मेथड होता है इसका फॉर्मूला होता है निकालने के लिए तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा लेकिन जो हमें फोर हंड्रेड किलोग्राम के लिए जो लगता है इस डी सी पी एंड टी डी एन तो वो लगता होगा हमारे ढाई सौ ग्राम एंड थ्री पॉइंट जीरो थ्री ढाई सौ ग्राम एंड जीरो थ्री ये थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है तो इसको कर लेना ढाई सौ ग्राम ढाई सौ ग्राम एंड थ्री पॉइंट जीरो टू किलोग्राम है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर एं डी एंड टीडीएन, रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क चुकाओ दैट इज प्रोड्यूस मिल्क ऑफ सिक्स परसेंट फैट है जो एक गाय के दूध में छः प्रतिशत वसा है तो उसके लिए एं डी एंड टी की आवश्यकता होगी तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फिफ्टी सेवन ग्राम्स एंड फोर हंड्रेड ग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिल्क फेट वेरियस नॉर्मली बिटवीन दूध वसा का द्रवणांग निम्न के बीच होता है तो हमारा ऑप्शन है थर्टी टू टू थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी है फोर्टी टू फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी है ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी डिग्री सेल्सियस ऑप्शन डी है ट्वेंटी से थर्टी डिग्री सेल्सियस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इस ट्वेंटी से थर्टी डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स देखते हैं अब हम फिफ्टी सिक्स में बोल रहा है कि ऑरेंज कलर द ऑरेंज कलर इन मिल्क ट्रीट विथ नाइट्रिक एसिड कन्फर्म्स द एडल्ट्रेशन ऑफ ह तो दूध को नाइट्रिक अम्ल के साथ उपचारित करने पर नारंगी नर रंग की उपस्थिति निम्न के अपमिश्रण की पुष्टि करता है तो हमारे ऑप्शन है फॉर्मेलिन ऑप्शन बी है फॉर्मेलिन ऑप्शन ए एन एस सी एल ऑप्शन सी है कैन शुगर ऑप्शन डी है स्कीम मिल्क पाउडर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी स्किम्ड मिल्क पाउडर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन हिल्स सॉइल्स और जनरली इन नेचर जो पर्वतीय मृदा सामान्यत होती है तो हमारे ऑप्शन है न्यूट्रल ऑप्शन बी एसिडिक ऑप्शन सी एलकेलाइन ऑप्शन डी है सेलाइन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एसिडिक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स इन विच सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड लेबर इंक्रीज टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम यूनिट एरिया इज नोन सह तो वह खेती जिसमें प्रति इकाई भूमि में अधिक पैदावार होने के लिए पूंजी तथा श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है कौन सी होती है तो ऑप्शन है इंटेंसिव फार्मिंग ऑप्शन बी है प्रोग्रेसिव फार्मिंग ऑप्शन सी है नॉन ऑफ ऑप्डिस ऑप्शन डी है ड्राई फार्मिंग तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटेंसिव फार्मिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन फिश मील शुड बी गिवन इन राशन ऑफ जो कि फिश मील है मछली का चूना सामान्य किसके हार में उपयुक्त है तो हमारा ऑप्शन है मिल का ऑप्शन बी है शीप ऑप्शन सी है कैमल ऑप्शन डी पोल्ट्री तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी पोल्ट्री में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हाइपर सेल्वी एशंस इज सिम्टम्स ऑफ किस रोग में मुंह से अधिक लार निकलती है तो हमारा ऑप्शन है गलगोटू हेमोरेजिक सेप्टेसीमिया एच हॉटशॉट ऑप्शन बी है फॉर्ट माउथ डिसीज ऑप्शन सी है डायरिया ऑप्शन डी है पॉक्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फुट माउथ डिसीज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन वॉट इज द एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नॉर्मल वॉल मिल का एट सिक्सटीन डिग्री सेल्सियस सिक्सटीन डिग्री सेल्सियस ताप पर सामान्य संपूर्ण दूध का विशिष्ट घनत्व क्या होता है तो हमारे ऑप्शन है जीरो पॉइंट नौ जीरो तीन ऑप्शन सी एक दशमलव पाँच आठ दो ऑप्शन डी ए दो दशमलव जीरो तीन दो ऑप्शन बी एक दशमलव जीरो तीन दो तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन एक दशमलव जीरो तीन दो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू होरिजोटल एंड डायरेक्शनल मिरर इन ऑप्टिकल स्क्वायर आर अटैच्ड एट द एंगल प्रकाश की चौगुनिया में छत्तीस तथा निर्दय दर्पण कितने अंश के कोण पर लगे होते हैं तो हमारे ऑप्शन है सिक्सटीन डिग्री एंगल ऑप्शन बी ए थर्टी डिग्री एंगल ऑप्शन सी ए नाइनटी डिग्री एंगल ऑप्शन डी ए फोर्टी फाइव डिग्री एंगल तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फोर्टी फाइव डिग्री एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री पोटासिक फर्टिलाइजर मोस्ट इट सूटेबल फॉर पोटेटो एंड तम्बाकू इज और जो आलू और तंबाकू के लिए सबसे उपयुक्त पोटासिक फर्टिलाइजर होता है वो कौन सा होता है तो केवल सल्फेट पोटास ओनली ऑप्शन बी ऑल ऑफ दिस ऑप्शन सी ए सिकोनाइट ओनली सोनाइट ओनली ऑप्शन डी म्यूरेट ऑफ पोटासनली तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सल्फेट ऑफ पोटासनली नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर

डे ट्रेंगुलर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है रेक्टेंगुलर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स पॉजिटिव और फूट मॉथ इन यूरोपियन कंट्रीज जो खुरपा खुटपा पकड़ डिसीज होती है यूरोपियन कंट्रीज में तो वो कैसी किसके कारण होती है तो हम देखते हैं पॉजिटिव डिशीज है ना तो वो होती है एओ वायरस के द्वारा तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी एओसी वायरस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बफेलो मिल्क इन टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज तो हमारे ऑप्शन है फोर्टी सेवन परसेंट ऑप्शन बी है फिफ्टी परसेंट ऑप्शन सी एलेवन परसेंट ऑप्शन डी है सिक्सटी परसेंट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फिफ्टी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस फॉर ईग लेंग अडल्ट इन पोल्ट्री हाउस जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे को मुर्गी बाड़े में एक वयस्क मुर्गी को अंडे देने के लिए स्थान की जो आवश्यकता होती है वो कितने स्क्वायर फीट से होती है तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए है एक स्क्वायर फीट ऑप्शन बी है थ्री पॉइंट थ्री स्क्वायर फीट और ऑप्शन सी है टू पॉइंट टू स्क्वायर फीट और ऑप्शन डी है फोर स्क्वायर फीट तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है इसमें बी वाले में करेक्शन करना जो कि थ्री पॉइंट थ्री है ये ओनली थ्री स्क्वायर फीट है तो इसके लिए जो आवश्यकता लगती, लगती है, है 3 वो हमारे को थ्री स्क्वायर फीट की आवश्यकता लगती है ठीक है पॉइंट है थ्री को कैंसिल कर देना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन लेक्टोज ऑफ इज ए डेक्स सेक्राइड डाई सेक्राइड कंटेनिंग लेक्टोज एक डाई सेक्राइड है जो बना होता है तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए है ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस ऑप्शन बी है ग्लूकोस एंड ग्लूकोस ऑप्शन सी है ग्लूकोस एंड गेलेक्टोज ऑप्शन डी है ग्लूकोज एंड माल्टोज तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो है ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड गेलेक्टोज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अस पर द नाइनटीन सेंच लाइफ स्टॉक्स सेंसर्स द लोकल लाइफ स्टॉक्स पॉपुलेशन इन इंडिया ह उन्नीस उन्नीसवीं पशुगणना के अनुसार भारत में पशुओं की संख्या होती है तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए है पाँच सौ बारह दशमलव जीरो पाँच ऑप्शन बी है दो सौ बावन दशमलव चार पाँच ऑप्शन सी है पाँच सौ पैंतालीस दशमलव एक सात ऑप्शन डी है पाँच सौ अठहत्तर दशमलव छः दो तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए पाँच सौ बारह दशमलव जीरो पाँच नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट चीज इज तो हमारे ऑप्शन है चेडार ऑप्शन बी है स्वीस ऑप्शन सी है एग ऑप्शन डी कॉटेज तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कॉटेज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एंड दे आर कॉल्ड ह तो हमारे ऑप्शन है स्टेपल फूड ऑप्शन बी है प्रोटेक्टिव फूड ऑप्शन सी है ऑप्शन सी एनर्जी फूड ऑप्शन डी है न्यूट्रिटिव फूड तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोटेक्टिव फूड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैक्टर स्पॉइलेस ऑफ वेजिटेबल सब्जियों के नुकसान और सड़ने के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है तो हमारा ऑप्शन है बैक्टीरिया फंजी फाइटोप्लाज्मा डी वायरस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बैक्टेरिया नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर रोमा इज ए वेराइटी ऑफ रोमा किसकी वेराइटी है तो हम देखते हैं ऑनियन चिल ब्रिंजल टोमेटो तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी टोमेटो की नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव डी होलिंग डी होलमिंग इन पोटेटो इज परफॉर्म्ड टू अपटेन जो कि आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है वो प्राप्त किया चीज को प्राप्त करने के लिए की जाती है तो हमारा ऑप्शन है लार्ज ट्यूबर क्वालिटी सीड हाईल्ड नॉन ऑफ दिस तो हमारे को जो चाहिए वो क्वालिटी सीड को पाने के लिए हम डिहोलिंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स उन उत्पादन करने वाली भेड़ के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है तो ड्राई मीटर रिक्वायरमेंट फॉर वुल प्रोड्यूसिंग शिप तो हमारे ऑप्शन है वन पॉइंट फाइव किलो वन पॉइंट फोर किलोग्राम ऑप्शन बी वन पॉइंट एट किलोग्राम ऑप्शन सी ए टू पॉइंट फोर किलोग्राम ऑप्शन डी ए टू पॉइंट एट किलोग्राम तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वन पॉइंट फोर किलोग्राम है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन एक संपूर्ण मानक दूध में वसा का संगठन कम से कम होता है तो एक संपूर्ण मानक में दूध में वसा का संगठन क्या होता है तो इन वॉल स्टैंडर्डाइजेशन मिल्क द फैट इज कंटेंटेड टू अ मिनिमम ऑफ तो हमारा ऑप्शन है वन पॉइंट फाइव परसेंट ऑप्शन बी है थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव परसेंट ऑप्शन सी है फोर पॉइंट फाइव परसेंट ऑप्शन डी है फाइव पॉइंट फाइव परसेंट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फोर पॉइंट फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट द इफेक्ट ऑफ द लेट हार्वेस्टिंग इन अ सोयाबीन इज जो विलंब से कटाई करने पर सोयाबीन पर प्रभाव पड़ता है तो हमारे ऑप्शन है क्रॉप प्रिपेयर्ड एक्सेलेंट सेटरिंग हो जाती है अमाउंट ऑफ टू फर्टिलाइजर इंक्रीज और ग्रेन साइनिंग इंक्रीज तो जो हमारा पहला है क्रॉप प्रिपेयर्ड एक्सेलेंट फसल अच्छी तैयार होती है ऑप्शन बी है सेटरिंग सेटरिंग का मतलब होता दाने है दाने झड़ने लगते हैं ऑप्शन सी है अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इंक्रीजेस जो कि खाद की मात्रा है वो बढ़ जाती है ऑप्शन डी है ग्रेन शाइनिंग इंक्रीज तो दाने की सुंदरता बढ़ती है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सेटरिंग जो कि जो दाने जो दाने होते हैं वो झड़ने लगते हैं लेस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन वेन द सोइल इज अस्ड वर्टिकली मैन वर्टिकली मैनी डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोइल रिलेटेड टू इट्स ओरिजन और एक्सपोज विच आर कम्बाइंडली नॉन अज मृदा को उदग्र उदग्र रूप से काटने पर जो जननिक रूप से संबंधित अनेकों परतें दिखाई पड़ती है उसको उन परतों को क्या कहते हैं जो कि हम हॉरिजेंटल रूप से या वर्टिकल सॉरी वर्टिकल रूप से हम काटते हैं सॉइल को तो जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है वो क्या रहता है तो हमारा ऑप्शन है सॉइल प्रोफाइल सोइल सैंपल सॉइल और सी है सॉइल प्रोफाइल और डी है सोलम तो इसमें जो करेक्ट हमारा ऑप्शन है ऑप्शन है इसमें रिपीट हो गया सोइल प्रोफाइल आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन सोइल प्रोफाइल और जो सी में उसको सोइल होरिजन कर लेना लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है सोइल प्रोफाइल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द इरीगेशन हैज द हाइस्ट वाटर यूज एफिसंसी किसकी वाटर यूज एफिशेंसी हाइस्ट होती है तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है स्प्रिंकल ड्रीप सरफेस फ्यूरो तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्रीप की जो यू, यूज यूज एफिशियंसी है ना वो ज़्यादा होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी वन द ऑप्टिम टाइम ऑफ ग्रेप प्रूनिंग ऑफ फॉर गुड इल्डिंग जो हमारा अच्छी फसल के लिए अंगूर की जो बेली की छटाई होती है वो उपयुक्त तो समय कब है तो हमारा है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सोलह सॉरी इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सोलह दिसंबर से थर्टी फर्स्ट अगस्त सोलह दिसंबर से कितना होता है सोलह दिसंबर से थर्टी फर्स्ट जनवरी है कि थर्टी फर्स्ट अगस्त है थर्टी फर्स्ट जनवरी सॉरी है ना थर्टी फर्स्ट जनवरी है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी टू इसमें क्या टाइपिंग एरर आता है तो कभी कभी इसमें मिस्टेक होती रहती है ऑप्शन में भी और क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट होता है तो ये डायरेक्टली गूगल ट्रांसलेट्स होता है इसलिए हिंदी में भी ट्रांसलेशन में भी थोड़ा सा एरर आता है तो इसमें थोड़ा सा इंग्लिश पर ध्यान देना और ऑप्शन पर इतना गौर मत करना हरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटी टू टेटइंग इज ए जनरली मेड ऑन द बॉडी पार्ट जो ऑप्शन के नंबर है उस पर गौर मत करना बाकी ऑप्शन पे तो गौर करना ही है क्योंकि ऑप्शन से ही आंसर मिलेंगे अपन को है ना टेटोइंग इज ए जनरली मेड ऑन द बॉडी पार्ट जो टेटोइंग है वो शरीर के किस के भाग पर की जाती है तो हमारे ऑप्शन है ईयर ऑप्शन बी है शोल्डर ऑप्शन सी फॉर हेड ऑप्शन डी है नोज तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी थ्री आई सी ए आर नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट तो यह नाम अभी प्रीवियस ईयर में भी आया था शायद तक 2023 में तो इसकी जगह शायद तक और कोई सा रिसर्च, रिसर्च सेंटर भी आ सकता है है ना तो आई सी आर के ही रिलेटेड पल्स का या फिर ऑयल सीड से रिलेटेड या सोयाबीन से रिलेटेड तो हमारे इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हैदराबाद हो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी फोर फीड ऑफ द ऑयल केक प्रोवाइड्स टू एनिमल खलिया खिलाने से पशु को प्राप्त होता है तो खलिया खिलाने से पशु को क्या प्राप्त होता है तो हमारा ऑप्शन है सॉल्ट प्रोटीन शुगर फेट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी फाइव मिल्क इज एन इमल्शन ह दूध पायस है तो जल में वर्षा मतलब कि ऑयल इन वाटर वाटर इन ऑयल ऑयल इन ऑयल ऑयल इन स्टार्च है तो ऑयल इन वाटर इसका करेक्ट ऑप्शन है जल में वषा मिल्क इमल्शन होता है क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स क्रेडिट टेकन फॉर लैंड डेवलपमेंट इस भूमि विकास के लिए लिया गया ऋण है तो हमारा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म ऑप्शन बी है शॉर्ट टर्म ऑप्शन सी है मीडियम टर्म ऑप्शन डी ए नॉन ऑफ अबाउ इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म क्रेडिट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी सेवन लॉस ऑफ न्यूट्रेंट इन सॉइल कैन अक्योअर ड्यू टू जो लॉस होता है न्यूट्रेंट का वो किसके कारण होता है तो केवल निच्छालन के द्वारा मतलब कि लीचिन के द्वारा न्यूट्रेंट रिमूवल बाय क्रॉप्स ओनली ऑल ऑफ दिस इरोसन के द्वारा तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन सी ऑल ऑफ दिस यह तीनों के द्वारा ही हमारा जो न्यूट्रेंट होता है वो लॉस होता है एटी एट टीले सूटेबल फॉर ड्राई फार्मिंग इज जो टिलेज होता है वो सुटेबल रहता है ड्राई फार्मिंग के लिए तो कंजर्वेशन टीलेज जीरो टिलेज मिनिमम टिलेज ऑल ऑफ दिस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस जो टिलेज सुटेबल होता वो है वो किसके कारण ऑल ऑफ दिस है ना जीरो टिलेज कंजर्वेशन मिनिमम टिलेज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी नाइन पॉपुलर मेथड ऑफ लॉन् स्टेबलाइजमेंट इज तो जो पॉपुलर लॉ स्टेबलाइजमेंट के लिए कौन सी मेथड अच्छी है तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए है सीड ऑप्शन ब टर्फिंग सी है टर्फ प्लास्टरिंग ऑप्शन डी है डिब्लिंग मेथड तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिब्लिंग डिबलिंग मेथड सही रहती है है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइनटीन बेस्ट ड्यूल पर्पज ब्रीड ऑफ पोल्ट्री पोल्ट्री के लिए जो ड्यूल डिल काजी बेस्ट नस्ल है वो कौन सी है तो कॉर्नीस पी एम आर और सी आर आई आर और डी लेग हॉर्नर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आर आई आर आर आई आर का फुल फॉर्म होता है रोड आईलैंड ट्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइंटी वन बटर मिल्क बटर मिल्क इज अ फ्लॉड प्रोडक्टर इज सॉल्टिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ तो हमारे ऑप्शन है चीज ऑप्शन बी योगाट ऑप्शन सी आइसक्रीम ऑप्शन डी बटर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि बटर है मक्खन है ना तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी बटर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट यूज ऑन प्रिजर्वेशनस इनमें से कौन सा परिरक्षण के लिए काम में नहीं आता है तो हमारा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन बी है सोडियम बेंजोइट ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड ऑप्शन डी है पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री बड़ी जो के लिए उपकरण है तो बड़ी जो लोग किसके लिए किया जाता है तो बध्यकरण के लिए किया जाता है तो कास्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर कोलेस्ट्रम इज ह तो कोलेस्ट्रम क्या होता है तो सेक्रेशन ऑफ उदर्स जस्ट आफ्टर कॉविंग कॉविंग के बाद जो हमारा सेक्रेट होता है उदर से उसको बोलते हैं या द फेट ड्राइवड फ्रॉम मिल्क जो फेट होता है वो नहीं ब्लड कॉर्पलेस भी नहीं होता है ऑयल एक्स्ट्रेट फ्रॉम नीम सीड ह तो इसका नाइनटी फोर का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेक्रेशन ऑफ उदर जस्ट आफ्टर कॉविंग सर गाय के बियाने के तत्काल बाद थन का स्तराव होना थन से जो स्त्रावित पदार्थ निकलता है उसको ही बोलते हैं हम कोलेस्ट्रम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव इज एन ऑयल सीड क्रॉप एक तिलहन फसल है तो कौन सी है ग्राउंड नट है क्या हाँ क्योंकि ग्राउंड नट राइस और वीट है जो सीरियल है ग्राम है जो कि पल्स है और ग्राउंड नट जो कि है ऑयल सीड तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स विच ऑर फॉलोइिंग इज अ पार्टिकल रूट पेरासाइट पार्शियल सॉरी पार्शियल आशिंक मूल परजीवी कौन सा है तो हमारे ऑप्शन है जैसे कि कसकुटा लोरेन्थस हो गया तो लोरेन्थस क्या है लोरेन्थस जो कि पार्शियल स्टेम पेरासाइट होता है लोरेन्थस और स्ट्राइगा है तो स्ट्राइगा क्या होता है स्ट्राइगा होता है पार्शियल रूट पेरासाइट होता है और सी जो ओरोबंकी है तो औरबंकी होता है इसमें टोटल रूट पैरासाइट होता है और जो कस्कुटा होता है वो टोटली स्टेम पैरासाइट होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्ट्राइगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन अमाउंट ऑफ लाइम इंक्लूडेड इन राशन ऑफ पोल्ट्री फॉर एक प्रोडक्शन्स जो हम मुर्गी के आहार में अंडा उत्पादन के लिए चूने की मात्रा यूज़ करते हैं वो कितनी होती है तो तीन परसेंट दो परसेंट डेढ़ या एक तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए तीन परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी एट वॉट इज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क जो मिल्क के लिए हमारा दूध का हिमांक कितना होता है तो हमारा ऑप्शन ए है माइनस वन पॉइंट फाइव फाइव डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी है जीरो डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी है जीरो पॉइंट फाइव फाइव डिग्री सेल्सियस ऑप्शन डी है माइनस वन डिग्री सेल्सियस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी जीरो पॉइंट फाइव फाइव डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी नाइन इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ क्रोसीफेरी फैमिली जो कि क्रूसी फैमिली क्रूसी फेमरी जो फैमिली रहती है उसके लिए इंपोर्टेंट डिसीज कौन सी है तो वाइट विल्ट है वाइट रस्ट है ऑल ऑफ दिस ब्लाइट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी वाइट रस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड लास्ट क्वेश्चन होता है मॉडल पेपर का यह और प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बटनिंग इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन बटनिंग किस में होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हम हमारा कॉलीफ्लावर डिसऑर्डर भी एक बार देख लेना सभी क्रॉप्स के एक एक दो दो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है डिसऑर्डर से भी आते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है है ना नहीं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में